चौधरी साहब आज किस संबंध में आए, ज्ञापन दिया, क्या प्रदर्शन किया? ये जो महंगाई लगातार केंद्र सरकार बढ़ा रही, पेट्रोल पे रेट बढ़ा दिए, डीजल पे रेट बढ़ा दिए, और प्याज आलू दाल सब्जी जो जो आम जनमानस का गैस पे तो बढ़ा ही दिया 850 रुपये गैस, प्याज 55 रुपये, दाल बहुत इतनी तरह तरह मिची हुई है इस टाइम महंगाई से। तो आज उसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लाल टोपीधारियों का, जो यहाँ के बाबा योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि टोपीधारियों से दृढ़ लगता है, तो आज वो टोपीधारी सड़क पर निकले और जिस तरह से आज जनता आम जनमानस बाहर निकलने काम किया महंगाई के खिलाफ, बधाई देना चाहते हैं सरकार। या तो सचेत हो जा, नहीं तो सरकार को इस्तीफा देकर वापस जाना चाहिए। और ये थाली अब बच चुकी है किसान की, मजदूर की, ये थाली इसलिए बच गई मुंडियों का ये थाली कि अब ये सरकार जाने वाली है, जिस तरह से आई थी उसी तरह जाने के लिए तैयार हो गई। किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जाए समाजवादी पार्टी जनपद सहारनपुर के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा हुए इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए। हम लोगों ने आज डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत को लेकर के, जो है रसोई गैस की बढ़ती कीमत को लेकर के, प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर के, जो है माननीय राज्यपाल के नाम जो है हमने एक ज्ञापन दिया। और जिस तरीके से जो है महंगाई कमर तोड़ पड़ रही है, आम जनता पर इसकी मार पड़ रही, आम जनता जो है परेशान है, बेहाल है, गरीब का जीना जो है दुष्भर हो रहा इस सरकार में, और ये गूंगी महरी सरकार जो है ये किसी की सुध नहीं ले रही है। आज किसान जिस तरीके से जो है बॉर्डर पर पड़ा गया, किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर किसान की सुनवाई करोगे जभी तो जो आम जनता को राहत दोगे, क्योंकि तो सारी इस देश की सारी चीज़ें जो हैं वो किसान से भी जुड़ी हुई है। और महंगाई कल तक जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं सिलेंडर हाथ में लेकर के जो है, और कैन हाथ में लेकर के जो है, अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े या रसोई गैस के रेट बढ़े तो ये उठा करके घूमते थे, आज ये क्यों चुप है? इन्हें सरकार अपनी सरकार के सामने आना चाहिए, कहना चाहिए भाई कल आप इसका विरोध कर रहे थे, आज क्यों नहीं विरोध कर रहे? अध्यक्ष जी, भाजपा के मंत्रियों का, भाजपा के नेताओं का विरोध होना शुरू हो गया है, पहले शामली में हुआ और अब सहारनपुर में भी देखने को मिला है, पोस्टर लगाए हैं नगुड़ क्षेत्र में लोगों ने, क्या कहेंगे? ये तो और ज़्यादा बढ़ेगा जिस तरीके से ये तानाशाही चला रहे, मोदी और योगी की सरकार जो है जिस तरीके से तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही, इसको देखते हैं विरोध और ज़्यादा बढ़ेगा। और इस विरोध का पता तो इन्हें जो है 2022 के चुनाव में लगेगा, जब जनता जाए, जब इनका एकदम गुब्बारा सा फूटेगा तो जब इन्हें महसूस जाएगा हाँ भाई क्या तुमने किया था क्या नहीं किया था। जनता ने तो मन बना लिया अपना पूरा, जनता ने तो मन बना लिया, इनकी विदाई जो है वो तय है। और हम तो जो है यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर इन्हें जो है शुद्ध बुद्धि दे, ये आम जनता को जिस तरह कमर तोड़ महंगाई से मार दिया उससे ये राहत दें, ऐसी शुद्ध बुद्धि ईश्वर इन्हें दे, लेकिन ये सुनने वाले नहीं है। सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया, उसमें लोगों को रिझाने का भी काम किया? नहीं, बजट जो है वो बिल्कुल जो है जीरो है, निराश करने वाला है। क्या दिया बजट में किसान को, क्या दिया मजदूर को, क्या दिया? किसान और मजदूर जो है इस देश की जो रीढ़ की हड्डी है, आप बताइए मुझे क्या दिया? नौजवानों को क्या दिया? नौजवान आज सड़कों पर हैं, कहीं रोजगार है? ये लोग जो है रोजगार छीनने का काम लग रहे हैं, हर चीज़ को जो है प्राइवेटाइजेशन में करते जा रहे, तो इस तरीके से रोजगार थोड़ी बढ़ेगा। ये सब जो है जो भी तनाशाही पूर्ण रवैया अपना रहे, जनता जो है इनका जवाब देगी, उन्होंने मन बना दिया।